गंगा दशहरा का पावन पर्व मथुरा में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रातःकाल से ही विश्राम घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां पर श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के दर्शन एवं पूजा अर्चना कर स्वयं को धन्य किया। वहीं गंगा दशहरा का ये पर्व गंगा और यमुना स्नान के लिए विशेष माना जाता है। इसी मान्यता के साथ यमुना स्नान के लिए भी भक्त उमड़ते रहे, जहां पर भक्तों ने पूर्ण आस्था के साथ यमुना में डुबकी लगाकर एवं पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। वहीं जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा गंगा दशहरा पर्व को देखते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की गई, सभी व्यवस्थाएं कराई गई एवं साफ सफाई का पूरा ध्यान भी रखा गया। इसी श्रृंखला में नगर निगम के विश्राम घाट पर जगह जगह पर महिलाओं के लिए स्नान घर एवं चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की गई। मथुरा को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई है? देखिए सर्वप्रथम तो मैं मथुरा वासियों को, ब्रजवासियों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे मथुरा नगरी में यहाँ भाई बहन जो एक प्यार का पर्व है कि भाई और बहन किस तरीके से यहाँ गंगा दशहरा पर स्नान करते हैं। मथुरा जिले की और पास के सारे जिलों की जनता यहाँ आती है गंगा दशहरा का स्नान करने के लिए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। दूसरा ये है कि आज 1686 क्यूसेक पानी लगभग यहाँ गंगा जल आया है और मथुरा वासी और पास जितने लोग यहाँ दर्शनार्थी और श्रद्धालु आएंगे वो सब गंगा जल में स्नान करेंगे, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। तो मैं इस पर्व पर सब लोगों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ और बधाई। जैसा कि दो दिवसीय ये महोत्सव मनाया जा रहा है तो व्यवस्था किस प्रकार रहेंगी? देखिए हमने जो व्यवस्था की है उल्लीपार और पल्लीपार दोनों वस्त्र चेंज करने के लिए चेंज रूम बनाए हैं। सारी व्यवस्था, सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, जैसी आपको आज दिखाई दे रही है उससे भी बढ़िया कल और दिखाई देगी। तो दोनों दिन पर्व जो मनाया जा रहा है अच्छी तरीके से मनेगा और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि यहाँ कोई दुर्घटना ना हो, सब ठीक ठाक तरीके से मने, ये हमारी शुभकामना। आज गंगा दशहरा के पावन पर्व में नगर निगम मथुरा वृंदावन ने सभी नगर वासियों को सुलभ और सुगम दर्शन एवं स्नान के लिए व्यवस्था की है। कंट्रोल रूम की स्थापना की है जिसमें न तो सिर्फ नगर निगम बल्कि स्वास्थ्य विभाग के भी लोग जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग के भी लोग जुड़े हुए हैं। जल जो सिल्ट यहाँ पे जम जाता था उसकी सफाई हुई थी। कंट्रोल रूम हुए हैं स्थापित, आपको चेंजिंग रूम महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम स्थापित हुए हैं। 20 गोताखोरों को एंगेज किया गया है, 10 मथुरा और 10 वृंदावन में। इसके अतिरिक्त बोर्ड्स की व्यवस्था रखी गई है कि किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो। और जैसा कि आपने देखा कि गोपेश्वर चतुर्वेदी जी मेयर साहब और मैंने स्वयं सभी घाटों का निरीक्षण किया है और यहाँ पे एक हर्ष और उल्लास का माहौल है। सभी लोग स्नान का आनंद ले रहे हैं और जैसा आप देख रहे हैं यमुना जी एकदम पावन स्वरूप में आज है। तो आज सभी नगरवासियों को, मथुरा वृंदावन नगरवासियों को मैं गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी जो यमुना का निर्मल और पावन स्वरूप है, यमुना माई का भी जो निर्मल और पावन स्वरूप हमें दिख रहा है वैसे ही मिले और इसमें सभी के का सहयोग और सभी की सहायता भी अपेक्षित है। पर आपने नौका से निरीक्षण भी किया, इस दौरान कोई व्यवस्थाएं भंग नजर आएंगी या फिर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं?